हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो रीट, पटवार, आरएस, एसआई इनके अंदर बहुत ज़्यादा आता है, और वो टॉपिक है पदार्थ, जो सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, तत्व, यौगिक, मिश्रण और विलयन की सांद्रता। ये ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जिसमें तत्व, यौगिक और मिश्रण हेडिंग के अंदर ये सब आएंगे, ओके ना। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्लास के अंदर हम लोग पहले पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ क्या होता है, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, और विलयन की सांद्रता क्या होती है, विलयन क्या होता है, ठीक है ना। इन सबको हम देखेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि ये मेरा चैनल है व्यास ट्यूटोरियल जोधपुर, इसको आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इसके अंदर मैं आप लोगों के लिए रीट, पटवार, आरएसआई और एसआई, आरपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ। साथ में 9th और 10th क्लास जनरल साइंस, 11th और 12th बायोलॉजी, इसके टॉपिक भी लेके आ रहा हूँ। तो आपके कोई फ्रेंड्स हों, आपके कोई ब्रदर हों, सिस्टर हों, तो उनको भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं। तो मित्रों, आज की जो क्लास हम लोग ले रहे हैं, इसके अंदर पहला पॉइंट आता है पदार्थ। पदार्थ होता क्या है, इसको हम एक टेबल से समझते हैं। ये आपके सामने एक टेबल है, ठीक है। ये टेबल ये बता रही है कि हमने जो कल वाली क्लास करी थी उसमें मैंने आपको द्रव्य के बारे में पढ़ाया था, मैटर के बारे में पढ़ाया था। पढ़ा था हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर मैटर के बारे में, ये उसी मैटर का ही पार्ट है। आपको पता है कि जो द्रव होता है, ठीक है, उसका जो प्यूरेस्ट फॉर्म होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है, वो पदार्थ होता है, ठीक है ना। और द्रव को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पदार्थ और मिश्रण, ठीक है ना। ये बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए कि द्रव्य, पदार्थ और मिश्रण दो भागों में विभक्त होता है। पदार्थ जो होते हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं, और मिक्सचर जो होते हैं वो इम्प्योर पार्ट होते हैं। पदार्थ को हम आगे भी क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स के अंदर, तत्व, एलिमेंट के अंदर, किसमें, तत्व एलिमेंट के अंदर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। और तत्व आपने पढ़ा है कि तत्व के अंदर ही हम पढ़ते हैं धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। जनरली इसका टॉपिक एक अलग आता है आपके, बट वो जो धातु, अधातु और उपधातु है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ये तत्व के ही पार्ट हैं, समझ गए। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में कि पदार्थ का दूसरा पॉइंट होता है यौगिक, कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड भी जनरली होता तो प्योरेस्ट फॉर्म है, बट इट इज ऑल्सो क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ के अंदर हम इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो ये तो हो गए पदार्थ, तत्व और यौगिक दो में बटे होते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है मिश्रण के बारे में। मिश्रण जो होते हैं, मिक्सचर जो होते हैं, ठीक है, ये समांगी और विषमांगी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो टाइप के होते हैं। जो समांगी मिश्रण होंगे उनका उदाहरण होता है विलयन, ठीक है, और जो विषमांगी होते हैं इनका उदाहरण होता है कोलॉइड और सस्पेंशन, निलंबन। तो इन चीजों को हम आज इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, और इसके आगे सब पार्ट हैं, ये सारे ये उसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, ये सारे उनके उदाहरण हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पदार्थ के बारे में, पदार्थ क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पदार्थ के बारे में, पदार्थ क्या होता है। तो ये देखिए मित्रों, पदार्थ को हम लोग सब्सटेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, और ये जो पदार्थ होते हैं ना, ये सारे सारे क्या होते हैं, द्रव्य के प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं, द्रव्य के शुद्ध रूप,
जो द्रव्य के शुद्ध रूप होंगे उनको हम पदार्थ कहते हैं, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है ना, क्लियर है। इनका केमिकल कंपोजिशन निश्चित होता है, मतलब इनका जो रासायनिक संगठन होगा वो निश्चित होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और इनके जो गुण होंगे वो विशिष्ट होंगे, मतलब इनका एक तो क्या होगा, निश्चित रासायनिक संगठन होगा, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, इनके गुण विशिष्ट होंगे। ठीक है ना, क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। और दूसरा कि हम जब भी पदार्थ की बात करते हैं, ठीक है, तो इन पदार्थों को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, तत्व और यौगिक के अंदर। तो तत्व और यौगिक दोनों किसके पार्ट हैं, पदार्थ के पार्ट हैं। ठीक है, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे तत्वों के बारे में, एलिमेंट के बारे में, उसके बाद में हम पढ़ेंगे यौगिकों के बारे में। तत्व और यौगिक किसके पार्ट हैं, पदार्थ के पार्ट हैं। पदार्थ क्या है, द्रव्य का शुद्ध रूप। ओके, चलिए, तो पहला पॉइंट हमारे पास आता है तत्व। तत्व क्या होते हैं, तत्व जनरली आप लोगों ने देखा होगा एलिमेंट, एलिमेंट को हम तत्व कहते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि हम बात करते हैं ऑक्सीजन, O2, इसमें दो ऑक्सीजन ही हैं, हाइड्रोजन H2, आयरन Fe, कार्बन C, पारा HG। तो इनके अंदर, इनके अलावा और कुछ भी नहीं है, इसमें O2 तो इसमें सब O ही हैं और कोई दूसरी चीज नहीं है। ठीक है ना, और इसको आप आगे डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो तत्व होते हैं वो किसी भी पदार्थ का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, मतलब सरलतम रूप। ठीक है ना, जिसको आगे हम विभाग नहीं कर सकते, जिनको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो आप ये देखिए कि जो तत्व होते हैं वो पदार्थ का सरलतम रूप हैं। ओके, दूसरा, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनको और अधिक सरल संगठकों में विभक्त नहीं कर सकते। ठीक है ना, और इसमें जो भी परमाणु होंगे एक ही तरह के परमाणु होंगे, ऑक्सीजन में केवल O ही होगा, दो O मिलकर O2 बना देंगे, H2 के अंदर H और H होगा, तो एक ही प्रकार के इसमें परमाणु होंगे, वो मिलकर तत्व का, एलिमेंट का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। और इनका जो नाभिकीय आवेश होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, वो हमेशा सेम रहता है। उदाहरण हम लोगों ने देख ही लिए हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लोहा, कार्बन और मरकरी, बारह। ठीक है ना, तो क्या है तत्व, पदार्थों का वह सरलतम रूप जिसको और अधिक सरल संगठकों में नहीं बदला जा सकता और इसके अंदर एक ही प्रकार के परमाणु से ये बनते हैं। ठीक है, और इनका नाभिकीय आवेश समान होता है सभी का। ठीक है, ये तत्व की श्रेणी में आ गए। सिंपलेस्ट इतना ही पूछा जाता है तत्व के बारे में, ज़्यादा इतना नहीं है RPSC के अंदर, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। दूसरा, हम लोगों ने जो चार्ट देखा था उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि तत्व कौन कौन से हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तत्वों को तीन भागों में बांट सकते हैं, धातु, अधातु और उपधातु, ये तीन भागों में हमने तत्वों को वर्गीकृत किया है। हम लोगों ने एक टॉपिक और पढ़ा होता है, वो होता है आवर्त सारणी। हमने देखा है कि आवर्त सारणी के अंदर, ठीक है ना, आवर्त सारणी के अंदर अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, वो तो काफ़ी सारा की गई है और भी, बट 118 को हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जिनमें से ये याद रखना आप, 94 तत्व हमें प्राकृतिक रूप से मिले हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं,
94। और जो 24 तत्व अलग हैं इसके अलावा, उनको हमने संश्लेषित किया है प्रयोगशाला में, मतलब हमने प्रयोगशाला में उनको बनाया, प्राकृतिक रूप से नहीं मिले वो, हमने उन्हें प्रयोगशाला में बनाया। ठीक है, क्लियर है। आप लोगों को एक चीज और मैं बता दूं कि आवर्त सारणी सबसे पहले एक रूसी वैज्ञानिक थे दिमित्री मेंडलीफ, उन्होंने इसको दिया था। ठीक है, पर मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी, ठीक है ना, ध्यान देना इस चीज को, मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार के आधार पर थी, एटॉमिक मास के आधार पर थी, इसलिए वो ज्यादा सफल नहीं हुई। तो वो सफल नहीं हुई तो सफल किसकी हुई? असफल हुई आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले ने दी थी। किसने दी थी? मोजले। मोजले जो था ये इसी मेंडलीफ का स्टूडेंट था, ठीक है ना, और उसने मेंडलीफ की आवर्त सारणी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन क्या किया कि मेंडलीफ ने जो परमाणु भार के आधार पर आवर्त सारणी बनाई थी, उसकी जगह मोजले ने उसे परमाणु क्रमांक के आधार पर बना दी। मेंडलीफ ने तो बनाई थी परमाणु भार के आधार पर, ठीक है, और मोजले ने उसे परमाणु क्रमांक के आधार पर रूपांतरित कर दिया। बस इतना सा फर्क करा जिसके कारण आवर्त सारणी का जो प्रारूप था वो सफल हो गया। तो ये आप चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई थी? दिमित्री मेंडलीफ ने। उसने ये जो आवर्त सारणी बनाई थी ये परमाणु भार के आधार पर बनाई थी, एटॉमिक वेट के ऊपर, एटॉमिक मास के ऊपर। और जो मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई वो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई थी, ठीक है, और जिसमें 118 तत्व थे, 94 ऐसे थे जिनको प्राकृतिक रूप से हमने प्राप्त किया था, और 24 ऐसे थे जिसको हमने प्रयोगशाला में संश्लेषित किया। क्लियर, ओके, चलिए। तो ये तो तत्वों की बात हो गई, अब हम बात करते हैं यौगिक की। क्या अंतर है तत्व और यौगिक के अंदर? ठीक है, तत्व और यौगिक में अंतर क्या है, ये चीज समझने के लिए हम लोगों को कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। जैसे हम ये देखते हैं कि H2 एक तत्व है, O2 एक तत्व है, ये दोनों तत्व मिलकर H2O जल बना देते हैं, ठीक है, तो तत्व प्लस तत्व एक निश्चित अनुपात में क्रिया करके जिस चीज का निर्माण करेंगे वो यौगिक होगा, ठीक है ना। यौगिक भी जो जैसे जल बना है तो ये H2 और O2 से मिलकर बना है, पर ये प्योरेस्ट है, शुद्ध है, ठीक है ना, तो इसको हम यौगिक कहेंगे। यौगिक के अंदर दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है, और वो भी शुद्ध पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। परंतु इसमें एक चीज ये होती है कि इन शुद्ध पदार्थों को हम वापस इनके तत्वों में तोड़ सकते हैं, समझ गए ना, पर तत्व को आगे नहीं तोड़ा जा सकता था, ठीक है ना। तो हम क्या देखते हैं, यौगिक क्या होते हैं? दो अथवा दो से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात, ठीक है ना, वो क्या होता है? यौगिक होता है, ठीक है ना, क्लियर है। और ये निश्चित अनुपात में जो बनेगा वो एक इकाई रूप में बनेगा, एक ही बनेगा, उसको हम यौगिक कहेंगे। और ये जो यौगिक होगा मित्रों, ठीक है, ये तत्वों के समान ये भी शुद्ध होगा, प्योरेस्ट फॉर्म होगा, ठीक है, परंतु यौगिकों को हम सरल संगठकों में तोड़ सकते हैं,
समझ गए, तत्वों को नहीं तोड़ सकते थे पर इनको तोड़ सकते हैं, ये रिवर्सिबल है। ओके ना, क्लियर है। चलिए अब जैसे कुछ उदाहरण हम यहां लेते हैं, एक उदाहरण हम जल का ले लेते हैं। जल किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, जिसमें हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन एक है, तो 2:1 के रेशियो में ये यौगिक बना हुआ है। ठीक है, वैसे वैसे हम NaCl की बात करते हैं तो सोडियम और क्लोराइड का ये 1:1 होता है। ठीक है ना, कैसे होता है ये भी हम देख लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं H2O, तो इसमें H कितना है? 2, और O कितना है? 1। अगर हम बात करते हैं NaCl की, तो Na कितना है? 1, और Cl कितना है? 1। ठीक है ना, तो ये इनका अनुपात वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो यौगिक होते हैं ना, इनको हम और आगे कार्बनिक और अकार्बनिक में विभक्त कर देते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक क्या होते हैं? कार्बनिक वो होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन वगैरह हो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह जिसमें होते हैं वो कार्बनिक होते हैं, और जिनमें ये नहीं होते कार्बन हाइड्रोजन वगैरह, ठीक है, तो वो अकार्बनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक कहते हैं उनको। ठीक है, देन हमने दो चीजें कर ली, तत्व कर लिया, यौगिक कर लिया। अब तीसरा पॉइंट आता है मिश्रण, इसे मिक्सचर। मिक्सचर और यौगिक में अंतर क्या है? जैसे हमने यौगिक में ये देखा था, हमने दो तत्व लिए थे, उन्होंने मिलकर एक यौगिक बना दिया। ठीक है, तत्व दो थे, यौगिक एक बना, जिसका संगठन एक जैसा था। पर अगर हम दो या दो से अधिक पदार्थ ले लेते हैं या तत्व ले लेते हैं, ठीक है, उनकी जब हम आपस में क्रिया कराते हैं तो वो क्रिया केवल भौतिक होती है। भौतिक मतलब यूं आपस में मिल जाते हैं, भौतिक संयोजन हो जाता है, बट उसका रासायनिक संयोजन नहीं होता, मतलब वो केमिकली एक दूसरे से नहीं जुड़ते हैं। ठीक है ना, तो जब वो केमिकली एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे तो मिक्सर तो होगा पर उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उनके अंदर क्या होगा, उनका मेन रासायनिक संगठन नहीं बदलेगा, और मिश्रण को हम आगे अन्य भौतिक क्रियाओं द्वारा अलग कर सकते हैं कि जो मिश्रण बना है, ठीक है, उनको काफी सारी भौतिक क्रियाओं द्वारा, जैसे छानकर, पाश्वन के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा, ठीक है, हम इनको पृथक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इसको आप समझेंगे कैसे? इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि देखो, हमारे पास में दो चीजें हैं, एक आयरन है और एक सल्फर है। ठीक है, एक आयरन है और एक सल्फर है। अब हमने क्या करा, इन दोनों का पाउडर बना दिया। क्या बना दिया? पाउडर बना दिया, जैसे इनका ये पाउडर फॉर्म है, समझ रहे हो आप? तो इन दोनों का पाउडर फॉर्म है। अब हमने क्या करा कि पहले केस में तो हमने क्या करा कि इस आयरन और सल्फर को गर्म किया, तो ये मिलकर क्या बन गया? एक यौगिक बन गया FeS, क्योंकि इसने आपस में रासायनिक क्रिया कर ली। पर दूसरे केस में हमने इनको गर्म नहीं किया, तो इन दोनों ने आपस में क्रिया नहीं करी, तो ये वाली जो सिचुएशन होगी, ये वाली, ये मिश्रण होगी, और ये वाली जो सिचुएशन होगी ये यौगिक होगी। ये क्या होगी? ये यौगिक होगी, और ये वाली जो सिचुएशन है ये मिश्रण होगी। यौगिक के अंदर एक कंपाउंड बनता है, पर मिश्रण के अंदर दोनों तत्व मिक्स तो हो जाते हैं पर वो केमिकली रासायनिक रूप से नहीं जुड़ते। ठीक है ना, तो ये इनमें फर्क होता है। और जब वो रासायनिक तरह से नहीं जुड़ते तो मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं, ठीक है, परंतु यौगिक को हम वापस
एफ यू और एस में आसानी से भौतिक क्रियाओं द्वारा पृथक नहीं कर सकते, समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं मिश्रण के बारे में। मिश्रण जो होते हैं इनको हमने दो भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। एक तो समांगी मिश्रण इज ए होमोजेनस मिक्सचर, और एक विषमांगी मिश्रण मतलब हेटरोजेनस मिक्सचर। तो मिश्रण को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, समांगी और विषमांगी। अब काफी कुछ तो नाम से ही हमें पता चल जाता है कि समांगी का मतलब क्या होगा और विषमांगी का मतलब क्या होगा, बट इसको हम समझते हैं। ये हाइलाइटर हम ले लेंगे। अब देखो हमने एक मिश्रण बनाया, ठीक है, एक मिश्रण बनाया जिसमें हमने क्या करा, एक तो जल ले लिया पानी और एक चीनी ले ली, पानी में हमने शक्कर को मिला दिया, ठीक है। तो क्या होगा, शक्कर पानी में घुल जाएगी, बिल्कुल घुल जाएगी। तो ऐसा मिश्रण जो बनता है जिसके अंदर दोनों, ठीक है ना, दोनों जो पदार्थ हैं वो आपस में एक समान रूप से मिल जाए तो उसको हम समांगी कहेंगे। अब देखो जल में हमने चीनी को मिलाया तो हम क्रिस्टलीकरण द्वारा, ठीक है ना, क्रिस्टलीकरण के द्वारा हम वापस इस चीनी को जल में से निकाल भी सकते हैं, तो ये मिश्रण ही हुआ। उसी प्रकार हम लोग जल में नमक मिला देते हैं, अब अगर हम इसको गर्म करेंगे तो जल उड़ जाएगा, नमक अलग हो जाएगा, वापस हमने इसको पृथक कर लिया, ठीक है ना। तो जल में नमक का मिलना, जल में चीनी का मिलना और एक पारदर्शी विलयन बनाना, उसको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है ना। तो जनरली ये क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का ये ऐसा मिश्रण है जो सर्वत्र मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन एक समान हो, ठीक है ना। पदार्थ सब जगह एक जैसे, ऐसा नहीं है कि नीचे शक्कर पड़ी है ना ऊपर पानी पड़ा है, या नीचे नमक पड़ा है ऊपर पानी पड़ा है, ऐसा नहीं, वो सब जगह पर बराबर मिल जाते हैं, तो उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। और ये पारदर्शी होता है, कैसा होता है, पारदर्शी होता है, क्लियर। अब अगर हम समांगी मिश्रण की बात करते हैं, तो समांगी मिश्रण की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग इसको इस चीज को मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। समांगी मिश्रण के अंदर हम बात करते हैं तो वो ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब ट्रू सॉल्यूशन है क्या, अब मैं आपको बता दूं ट्रू सॉल्यूशन मतलब वास्तविक विलयन है क्या, कि आपको मैं एक चीज बताता हूं। अगर हम शक्कर लेते हैं, ठीक है, तो शक्कर पानी में घोली जाती है, किस में घोली जाती है, पानी में घोली जाती है, ठीक है ना। तो पानी में घोलने के बाद में क्या हो जाएगा कि वो पानी जो है वो शर्करा का विलयन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, शर्करा का विलयन कहलाएगा। तो इस चीज को ध्यान देना, इस चीज में जिस चीज को घोला गया है, शर्करा को घोला गया है तो वो विलय हो गई, किस में घोला गया है, जल में घोला गया है तो जल विलायक हो गया, और यहां पे क्या बन गया, शर्करा विलयन, क्या बन गया, शर्करा विलयन बन गया। तो विलय प्लस विलायक मिलकर विलयन बनता है, ठीक है, विलय जिसको घोला जाए, विलायक जिसमें घुलता है, ये मिलकर जो बनता है वो विलयन बनता है। और अगर विलयन पारदर्शी है तो उसे ट्रू सॉल्यूशन मतलब वास्तविक विलयन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम इस चीज को थ्योरी में देखते हैं,
ये देखो हम लोगों के पास में यहाँ पर एक पॉइंट आ गया विलियन। ये देखो विलियन सॉल्यूशन, इसमें हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ ठीक है का एक समांगी विलयन बना देते हैं। जैसे हमने क्या करा, शर्करा और पानी का एक विलयन बना दिया, तो अब ये विलयन एक पारदर्शी विलयन बन गया। पारदर्शी विलयन बनने की शर्त क्या है कि उसमें जो विलेय है उसकी साइज 10^-9 मीटर से छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब कि 10^-9 मीटर या 1 नैनोमीटर, ठीक है, 1 नैनोमीटर से कम होगा तभी वो पारदर्शी विलयन बनाएगा, ये उसकी शर्त है, ठीक है। और ये जब मिल जाएगा तो हम उसको वस्तु कोश में नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो एक पारदर्शी विलयन बन जाएगा। और उसमें अगर हमें क्या विलेय को देखना है तो हमें यंत्र की सहायता से हम उसे देख पाएंगे, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से हम उसको देख पाएंगे, ठीक है। और जो विलयन बनता है, ट्रू विलयन, इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना, इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम लोग पृथक कर सकते हैं, ठीक है ना, उनको हम पृथक कर सकते हैं। कैसे, या तो हम कुछ विधियां काम में लें उनसे, जैसे आसवन के द्वारा वगैरह हम उसको पृथक कर सकते हैं, परंतु हम उसको छानकर पृथक नहीं कर सकते। निस्यंदन का मतलब होता है छानना, जैसे शर्करा का विलयन है आप उसको छानो तो शक्कर ऊपर और पानी नीचे, ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि वो समान रूप से उसमें मिला हुआ है। तो जो होमोजीनस मिक्सचर होता है, समांगी मिश्रण होता है, उसको आप छान के पृथक नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर है। और आपको पता है कि विलयन जो होता है इसमें दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक तो विलायक जो किसी भी वस्तु को अपने अंदर घोल ले, जल यूनिवर्सल विलायक है, ठीक है, वह पदार्थ जिसमें अन्य पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है विलायक कहलाता है, ठीक है ना, क्लियर है, जिसमें सबसे सावृतिक विलायक जल है, दूसरा एसिटिक अम्ल भी एक बहुत अच्छा विलायक है जो किसी भी चीज को अपने अंदर घोल लेता है, ठीक है। इसके अलावा एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल, ये सारे अच्छे विलायक कौन सी श्रेणी में आते हैं। और विलेय वो होता है जो घुलता है, जैसे शर्करा विलयन के अंदर विलायक तो हो गया जल और शर्करा हो गया विलेय, तो वे पदार्थ जो विलायक में घुलते रहते हैं विलेय कहलाते हैं, ठीक है ना, सॉल्यूट भी हम उसको कहते हैं, ठीक है ना। परंतु किसी भी विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में कम होती है, विलेय कम होगा विलायक ज्यादा होगा, ठीक है। अगर विलेय ज्यादा है तो वो सांद्र माना जाएगा और विलेय कम होगा तो उसे तनु कहा जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे जल में नमक के विलयन से जल जल विलायक हो गया और नमक विलेय हो गया, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जो ह्यूमिड एयर है इसमें जल वाष्प विलेय है और एयर विलायक है, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं विषमांगी मिश्रण के बारे में, इज ए हेट्रोजिनस मिक्सचर। हेट्रोजिनस मिक्सचर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो कण होते हैं ना 10^-9 मीटर से बड़े होते हैं, ठीक है ना, इसलिए वो पूर्णतया उसमें घुलते नहीं है और पारदर्शी विलयन भी नहीं बनाते, ठीक है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें सम्मिलित पदार्थों का संगठन सर्वत्र एक समान नहीं होता है, वो अलग अलग दिखाई देते हैं, उसको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे आपने जल और तेल को मिला दिया,
तो जल अलग दिखेगा, तेल अलग दिखेगा, ठीक है। या आपने जल में मिट्टी को मिला दिया, बालू को मिला दिया, तो बालू जो है वो नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जो केस होता है उसको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। बट मित्रों, यहाँ पर विषमांग मिश्रण में भी एक ट्विस्ट आता है कि ये जो विषमांगी मिश्रण होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं, एक कोलॉइड और एक निलंबन। कोलॉइड और निलंबन में क्या डिफरेंस है, ये बार बार पूछा जाने वाला सवाल, बार बार पूछ लेते हैं कोलॉइड क्या होता है, निलंबन क्या होता है। तो कुछ नहीं है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगर हम दूध को देखें, पानी में दूध मिला दें तो दूध पूरा सफेद हो जाएगा ना, तो कोलॉइड है। और पानी में अगर मिट्टी को मिला दें तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी ना, तो वो सस्पेंशन या निलंबन है। बस तो हम वही देख रहे हैं जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कोलॉइड की, कली और कोलॉइड। कोलॉइड के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो पदार्थ के कण होते हैं, मतलब विलेय के जो कण होते हैं, वो पूरे में बिखरे हुए रहते हैं, पूरे विलायक में बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है। परंतु उसमें पूर्णतया मिश्रित नहीं होते। जैसे शर्करा जल में पूर्णतया मिश्रित हो जाता है, वैसे दूध जल में पूर्णतया मिश्रित नहीं होता। तो वो क्या करता है कि एक अर्ध पारदर्शी सेम ट्रांसलूसेंट लिक्विड बनाता है, उसको हम कोलॉइड कहते हैं, ठीक है ना। कोलॉइड के अंदर जितने भी पदार्थ होंगे वो सर्वत्र बिखरे हुए रहेंगे और अर्ध पारदर्शी विलयन बनाएंगे, ठीक है। और जो कोलॉइड के कण होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए वो हमें नग्न आंखों से दिखाई दे जाते हैं। जैसे कई जगहों पर, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जाग हो गया, पायस हो गया, सॉल हो गया, एरोसॉल हो गया, जेल हो गया, ये सारे उदाहरण कोलॉइड के हैं। जैसे पानी में दूध का मिल जाना, या जाग बन जाना, ठीक है ना। या फिर आपने फॉग देखा होगा जिसमें आर पार दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारे कोलॉइड के उदाहरण होते हैं, ठीक है। और अगर पार्टिकल इससे भी बड़े हो जाएं, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, नीचे बैठ जाएंगे, जल के अंदर नीचे बैठ जाएंगे। अगर पार्टिकल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, ठीक है, तो उसमें क्या होंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार का जो विषमांगी मिश्रण होगा, इसमें बहुत बड़े कण होते हैं, ठीक है। जो विलेय के कण होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो वे क्या करते हैं कि द्रव में घुलते ही नहीं घुलेंगे, तो क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। जैसे मिट्टी में, मिट्टी को पानी में मिला दो तो आप देखोगे कि मिट्टी क्या करेगी, पानी के तलहटी में बैठ जाएगी, नीचे जाके बैठ जाएगी, ठीक है, और अलग लेयर बना देगी। तो इसको हम लोग निलंबन या सस्पेंशन कहते हैं। और जो सस्पेंशन होता है, इसको हम फिल्टर पेपर के द्वारा या छानकर पृथक कर सकते हैं। उदाहरण बालू और जल का मिश्रण, ठीक है, हम उसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ये निलंबन की श्रेणी में आ गया। तो विलयन तीन तरह के हो गए, समांगी तो ट्रू विलयन हो गया, जिसके अंदर आर पार दिखता है, जैसे नमक और जल या शर्करा और जल। विषमांगी का उदाहरण हो गया कोलॉइड और निलंबन, जैसे दूध और मिट्टी का पानी में मिलना, ठीक है। तो ये इनके उदाहरण हो गए। अब हम बात करते हैं विलयता की, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी होता क्या है, सीधा है कि किसी भी यौगिक में घुलने की क्षमता, यौगिक में घुलने की जो क्षमता होती है, ठीक है, उसे उस यौगिक की विलयता कहते हैं, ठीक है। कितना घुलता है वो उसकी विलयता होगी। अगर वो पूर्णतः घुल जाए, कोई यौगिक किसी
दूसरे के अंदर पूरी तरह से घुल जाए तो हम उसे मिश्रणीय या मिसिबल कहेंगे। और अगर वो पूर्णता ना घुले, ठीक है ना, पूर्णता ना घुले तो हम उसे अमिश्रणीय या इमिसिबल कहते हैं। सिंपल। और इसके बाद में पॉइंट आता है विलयन की सांद्रता, द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सांद्रता क्या होती है? तो मैंने आप लोगों को एक चीज पहले ही बता दी थी, और वो चीज थी कि भाई कोई भी विलयन बनता है तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है विलय और एक होता है विलायक। ये मिलकर क्या बना देते हैं? विलयन बना देते हैं। ये हम लोगों ने देखा ही है। अब इसमें विलयन की जो सांद्रता है, मतलब जो इसकी सांद्रता है, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि किसी विलयन में, ठीक है ना, किसी विलयन में विलय की कुल मात्रा, जैसे ये विलयन है, इसमें विलय की कितनी मात्रा है, ठीक है ना, तो विलय की कुल मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो कितना विलय है वो उसकी सांद्रता कहलाती है, ठीक है ना। या किसी विलयन में प्रति इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। बात एक ही है कि किसी भी विलयन में कितना विलय है वो उसकी सांद्रता है। अगर विलय ज्यादा है, ठीक है, विलय की मात्रा ज्यादा है तो सांद्र विलयन कहलाएगा, और विलय की मात्रा कम है तो उसे हम तनु विलयन कहेंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त विलयन क्या होता है और असंतृप्त विलयन क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसमें आप देखो, संतृप्त विलयन वो होता है जिसमें हम एक निश्चित ताप पर, जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, ठीक है, उस पर हम और विलय को ना घोल पाए। जैसे हमने शक्कर, पानी में शक्कर मिला दी, ठीक है, एक निश्चित ताप पर, जैसे 25 डिग्री ताप पर हमने शक्कर मिला दी, शक्कर उसमें घुल गई, उसके बाद हमने और शक्कर मिला दी तो हमने देखा शक्कर उसमें घुल ही नहीं रही। तो जब शक्कर घुलना बंद हो जाए किसी शक्कर विलयन में तो हम उसको सांद्र बोलेंगे या संतृप्त विलयन बोलेंगे, ठीक है ना। तो उसको हम संतृप्त विलयन बोलते हैं कि अगर विलय का घुलना संभव ना हो तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। और असंतृप्त विलयन किसको कहेंगे? कि जिसके अंदर एक निश्चित ताप पर और विलय घुलता रहे, ठीक है ना, मतलब एक ऐसा विलयन हो, ठीक है ना, जिसके अंदर और विलय को घोला जाना संभव हो, ठीक है, उसको हम असंतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल है। तो ये हमारा आज का पॉइंट कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने मैटर एंड इट्स स्टेट का सेकंड पार्ट करा है, जिसमें हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा है, तत्व, यौगिक, मिश्रण और विलयन के बारे में हमने पढ़ा है, और उसकी सांद्रता के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो ये हमने आज की क्लास में किए हैं, और अगली क्लास के अंदर एक पॉइंट और आता है जिसमें हम कैसे पदार्थों को पृथक कर सकते हैं, ठीक है, वो करेंगे। तो ये पूरा कोर्स वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये चैप्टर आपके रीट में, पटवार में, आरएस में, एसआई में, आरपीएससी के, यूपीएससी के और अदर स्टेट बोर्ड के, ठीक है ना, अंदर ये बार बार आने वाला चैप्टर है। तो इसको अच्छी तरह से तैयार करिएगा। ऑल द बेस्ट।